वेलकम टू एस प्रो बाइकिंग। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, हमारे पास आई है ZMR और उसको हम बनाने जा रहे हैं कार्बेटर। तो मैं आपको बताता हूँ कि कार्बेटर बनाने के लिए हमें क्या क्या पार्ट्स लगाने हैं और क्या क्या सामान लगाना है। जैसे कि लोग बहुत लोग कहते हैं कि कार्बेटर बनाने के लिए वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी, मैग्नेट कॉइल, एसटी कॉइल, टैंक वैंक। तो मैं आपको सिंपल सीधा तरीका और शॉर्ट में करने का तरीका बताता हूँ कि कैसे इसको कार्बेटर बना सकते हैं, FI से कार्बेटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको बाइक ट्रैक बाइक ऑफ रोड ट्रैक बाइक बना रखी है और मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इसका छोटा बॉडी जो कि ये FI है अभी इस टाइम, और इस साइड दिखाता हूँ इसका फुल पंप। ये इसका पंप है, तो जैसे कि ये इसका पंप में दिक्कत है, ये हमारे भाई ने बताया कस्टमर ने, और इसका पंप आता है करीब 5-6 हज़ार और हमेशा ही ZMR की यही कंप्लेंट है इसका पंप बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो काफ़ी लोग परेशान हैं क्योंकि करिश्मा के इसका इंजन में बहुत पावर है, तो बहुत से लोग इम्पल्स में ऑफ रोडिंग बाइक्स में बहुत यूज़ करते हैं इसको। तो मैंने सोचा क्यों ना, मैं पहले भी 2-3 बाइक में बना चुका हूँ उसको कार्बेटर, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको एक बार ही आपसे शेयर करा जाए वीडियो को, क्या कैसे इसको बनाते हैं हम, किस तरीके से काम करते हैं, हमें बनाने में कितने टाइम कितना दिन लगता है और क्या हमारा प्रोसीजर है किस तरीके से बनाते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इसमें बताता हूँ हम कौन सी बाइक का इसमें कार्बेटर लगाएंगे और कार्बेटर लगाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी और कौन कौन से पार्ट लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बाइक का, इस बाइक में हम कौन सा कार्बेटर लगा रहे हैं। देख लीजिए ये कार्बेटर है, जैसे कि आप सब लोग समझ पा रहे होंगे ये कार्बेटर मैं लगा रहा हूँ, इस बाइक का कार्बेटर है। ये बाइक है NS 200 में आपको पता है पावर भी और अच्छी खासी है, तो मैंने सोचा क्यों ना NS 200 का ही कार्बेटर लगाया जाए इस बाइक में, क्यों गाड़ी के इंजन तो नो डाउट बहुत पावरफुल है तो कार्बेटर ही पावरफुल होना चाहिए। तो मैंने इसमें NS का कार्बेटर आपको दिख रहा है, ये मैंने नया परचेज़ करके इसके अंदर ये फिट करने जा रहा हूँ, और फिट करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें करनी पड़ रही है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए जल्दी से जल्दी अब आपको उसमें फिट करके दिखाता हूँ। तो चलिए जल्दी से आप खोल के दिखाते हैं, बेटा खोलो उसको। तो ये पे लूज कर लें नीचे LNG का पेज, उसके बाद इसको ऐसे करें तो निकाल लें, ये इसका सॉकेट है तो निकाल लें, ठीक है। ये हमारा अभी दिखाओ, ये हमारा है थ्रॉटल बॉडी, तो अभी इसका हमने पूरा काम ख़त्म कर दिया। जैसे कि मैंने बताया था बहुत से लोग कहते हैं वायरिंग चेंज होगी इसकी और टैंक चेंज होगा, मैग्नेट कॉइल, एसटी कॉइल कंपनी बताते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करता। हम सिंपली एल्बो है इसकी, इसमें एल्बो डायरेक्ट ही कार्बेटर फिट कर देंगे। कार्बेटर ये रहा, आपको दिखाया था, चलो जल्दी फिट करो। तो जैसे कि आप देख रहे हो हमारा कार्बेटर फिट हो चुका है इसमें, तो जैसे कि आपने देखा मेरा पूरा कार्बेटर है ना इसका फिट हो चुका है इसमें। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आपको कि ये बाइक जब ही स्टार्ट होगी जब तक इसमें इंजेक्टर लगा होगा, तो वो ये इंजेक्टर है इसका। अगर ये बाइक में इंजेक्टर का सॉकेट नहीं लगा होगा तो आप कुछ भी कर लीजिए बाइक स्टार्ट नहीं होगी। या दूसरा तरीका यह है कि इसको सॉकेट निकाल के, ये इसका सॉकेट है, दिखा पा रहा हूँ मैं आपको एक बार जूम हो जाए, ये सॉकेट में इसके कपड़ा निकाल के दो तारे डायरेक्ट कर दें तो भी स्टार्ट हो सकती है। तो बेसिकली हम सब क्या करते हैं, इंजेक्टर हमारे किसी काम का तो होता नहीं है, तो हम इंजेक्टर को इसी में लगा के और पैक करके रख देते हैं। तो ये बहुत मेन चीज़ है, आप जब भी ZMR को FI से कार्बेटर में कन्वर्ट करते हैं तो इसका ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये नहीं तो इसके बिना गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो चलिए ठीक है, बाकी तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कार्बो फिट हो गया, अब इसका पंप दिखाते हैं। तो ये इसका पंप है, ये पंप खोल दिया लड़के ने मेरे, तो ये देख रहे होगे इतना बड़ा पंप है इसका, इसके फुल पंप है, इसके अंदर मोटर होती है, ये दो पाइप इससे भी होते हैं, एक पेट्रोल आने के लिए और एक दूसरा उसमें जाने के लिए। तो ठीक है, इसको भी हमने खोल दिया, इसको उठाया था। अब ये जो इसका कपड़ा था पंप का, इसमें हमें कुछ नहीं करना, ये सिंपल ऐसे रख रहा है, और ये इसका पेट्रोल पाइप है, पेट्रोल पंप ले लिया मैंने। इसके बाद अब आपको दिखाते हैं टंकी में क्या करना है, हमको मेन चीज़ है टैंक के अंदर क्या करना है।
तो चलिए मैं दिखाता हूँ मैंने टैंक के अंदर क्या से क्या करा है, मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए देखते हैं। तो चलिए ये आ गया हमारे सामने टैंक इसका। तो मैंने क्या करा है, पेट्रोल टैंक के लिए एक यहाँ होल कराया है इसमें, ये नॉर्मल बेल्डर से कराया है। एक मैंने एक टूटी का आधा जिसे भी कम पाइप लिया, उसको उसको 1 इंची बराबर काटा, उसको लेथ मशीन पे जाके ये जो पैटोटी होती है होंडा की, इसकी तो एक थ्रेड है, उस थ्रेड को मैंने हार्ड लेथ मशीन से बनवाया। उसको बनाने के बाद ये जो यहाँ मेरे टाइट हो रहा है, उसके बाद मैं इसको लेके बेल्डर से यहाँ सुराख करवा के इसमें बेल्ट करवा दिया सीधा। तो ये इसमें मेरे लग गया आराम से पैटोटी। बहुत से लोग मैंने देखा है, मैंने भी 2-3 गाड़ी आई हैं, 1-2 गाड़ी आती रहती है कि राजस्थान गुजरात और हरियाणा में लोग लगा तो देते हैं कार्बेटर, लेकिन ये पैट्रोटी का जुगाड़ नहीं बना पाते। तो क्या करते हैं, जो ओरिजिनल स्टॉक होता है उसी पे लगाए थे, तो उससे क्या होता है कार्बेटर में एनी टाइम पेट्रोल जा रहा होता है, जिससे कि उसकी कार्बेटर की नीडें ख़राब होती है और पेट्रोल लीक होने लगता है। तो मैंने ऐसा नहीं करा, मैंने इसका आराम से बैठ के सोल्यूशन निकाला क्या करना चाहिए, गाड़ी में देख के मैंने इसको ऐसा करना चाहिए। और इसका एक ये सुराग है, इसको मैंने बंद करवा दिया, एक ये बंद करवा दिया और वहाँ पे दूसरा जो सुराग था उसको हटवा के एक निपला कर दिया। तो आपने जैसे कि देखा तो मेरी ये पैटोटी आराम से लग गई है और आराम से ऑन अप भी हो रही है। तो ये हमारा टैंक काम का आपको मैंने दिखा दिया वीडियो, पंप का वीडियो दिखा दिया, कार्बेटर का वीडियो दिखा दिया। अब दिखाता हूँ मैंने एक छोटा सा मैं एक और काम करा है, थोड़ा हटके करा है, अभी तक मैंने एक नहीं करा था किसी गाड़ी में, मैंने जो इसकी एक्सीलेटर वायर है वो दिखाता हूँ आपको। जैसे आपको दिख रही है इसकी करिश्मा के एक्सीलेटर वायर है, ये 2 तार वाले हैं, इसकी दूसरी तार है नहीं गई है, अभी खोल के फेंक दिए लड़के ने। तो क्या था ना, इनमें हो तो रहा था लेकिन मेरे कार्बेटर में तो सिंगल तार है, ये 2 तार कैसे काम करी। अगर मैं लगा भी रहा था तो उसमें हल्की सी प्ले रह रही थी, ये अपना कहने के रुक के जाम, यहाँ जाम हो रहा था। तो मैंने एक और इसमें क्या करा, मैंने इसमें एक्सीलेटर की तार NS की डाल दी, थोड़ी सी लेंथ लंबी है, तो मैंने क्यों ना स्टॉक पूरा हो जाएगा, मैंने ये लगा के इसमें थोड़ा सा इसमें बढ़ा के अंडा हैंडल मोड़ के, तो मैंने इसमें एक्सीलेटर तार NS की डाल दी। तो ये तो होगी मेरी पूरी फिटिंग। चलिए अब आपको स्टार्ट कर दिखाता हूँ बाइक स्टार्ट हो रही है या नहीं, और 100% होगी क्योंकि मैं पहले काम कर चुका हूँ ये बाइकों पर, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी भाई अपनी बाइक में ये सब काम करवा सको और आप भी भाई ये सब काम कर सको। चलिए जो फिर आपको ये इसका बैटरी बाइक ये रहा, और हम इसमें लगाए थे पेट्रोल, उसको पेट्रोल लगा दिया, पेट्रोल हमने ऑन कर दिया। तो चलिए गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो चलिए मैं उसकी चाबी ऑन करता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं। ठीक है, ये चाबी ऑन हो गया, ये रहा इसका सेल बटन, सेल मारते हैं। ओह माय गॉड, और आपने देखा गाड़ी एकदम आराम से एकदम स्टार्ट हो गई। तो जैसे कि आपने देखा, मैं थोड़ा साउंड देके दिखाता हूँ, मैंने भी कार फिट नहीं करी है वो भी दिखा दूँगा आपको। तो फाइनली मेरी गाड़ी फिट हो गई है और स्टार्ट हो गई है। तो जैसा का आपको मैंने बताया, मैं कुछ ज़्यादा नहीं करना, सिंपल सी चीज़ें, तो आपको NSA कार्बोरेटर सबसे पहले परचेज़ कर लेना है, उसके बाद पेट्रोल पाइप को भी सभी लगा लो। मैंने तो इसमें एक्टिवा का जेनरल पाइप लगाया, थोड़ा काट के बड़ा था काट के लगा दिया, तो वो जेनरल पाइप क्या होता है जल्दी से फटते फटते नहीं, लोकल पाइप क्या होता है आप रैली कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो या नॉर्मल गाड़ी, तो पाइप हार्ड हो के पेट्रोल बहुत ही हार्ड हो के फाड़ देता है, तो फट जाता है, तो इसलिए जेनुइन चीज़ें ही यूज करने की आपको। तो मैंने कार्बेटर लगाया, एक होंडा का पेट्रोल लगाया, हीरो होंडा की पेट्रोल की लगाई है, बेल्डर से काम कर बेल्डिंग करवाई है, और एक एक्स्ट्रा काम जो मैंने अभी पहली बार करा था, एक एक्सेलर केबल डाल दिया NS की, ताकि ऑर्डर देने में कोई दिक्कत ना हो। तो ऑलमोस्ट तो मेरी गाड़ी स्टार्ट पूरी फिट हो गई है। तो ठीक है, जब तक आप ये वीडियो देखो पूरी देखना, और थोड़ी सी एक और दिक्कत, थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रही होगी, आवाज़ मेरी बैटरी है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हमें अच्छे से अच्छे कमेंट दें, और मैं आपको ऐसी बाइक की वीडियो को शेयर करता रहूँगा, दिखाता रहूँगा।
बाइक के कोई भी चीज़ रिलेटेड हो मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी चीज़ मैं आपको जवाब दूंगा बताऊंगा। और ऐसी ये सब वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और मेरी वीडियो को शेयर करो। बाकी जब तक मैं आपको दो चार अच्छे अच्छे इसको वीडियो दे रहा हूँ, जब तक आपको थोड़ी सा अच्छी अच्छी वीडियो वो भी देखो कैसे अपने मजा आया। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, मैं इसकी तार फिट करके आपको दिखाता हूँ। तो देख लो ये पूरी तार स्टॉक फटी होंगी या नहीं, ये यहाँ से गई है, ये वो मोटर कहीं भी अटक नहीं जाता। पहले क्या करना, ये दो कार है उनसे अटक रहा था, मैं इनको निकाल दूँगा स्टॉक कार में, हटा दो बड़े। तो ये अभी हमारा प्रॉपर सेट है, तो आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीज़ें कर लेना, गाड़ी प्रॉपर परेशानी दूर हो जाओगे। जेड मारने मिसिंग की बहुत दिक्कत है, इसको डालोगे लाइफ टाइम खुश होगे, तो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा, आप जिससे भी करवाते हो अच्छा काम। ठीक है, मेरे पास आपको काम कराना हो तो आप आ सकते हो, और गूगल पे सर्च कर सकते हो मेरा लोकेशन। मेरा लोकेशन है KTM सर्विस एस प्रोवाइडिंग, आप डालोगे तो आपको आ जाएगा। और मेरी शॉप का मैं अपना लोकेशन, मैं आपको शॉप का अपना एड्रेस वगैरह सेंड मैं डाल दूँगा, आप देख लेना।